हेलो एंड वेलकम एवरीवन. आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रबर विच इज नियोप्रीन. सो फर्स्ट वी हैव टू नो द मोनोमर यूनिट. द मोनोमर यूनिट ऑफ नियोप्रीन इज क्लोरोप्रीन. द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन इज CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. तो हमारे पास जो 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें से H को हम Cl से रिप्लेस कर दें तो बनने वाला स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? क्लोरोप्रीन का हो जाएगा. जो नियोप्रीन है उसका ऑल्टरनेट नेम पॉलीक्लोरोप्रीन भी होता है, जिसको हम आगे मेंशन करेंगे. नाउ द टाइप ऑफ पॉलीमर. जो नियोप्रीन है वो एक ही टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बना है, विच इज क्लोरोप्रीन. यानी किस टाइप का पॉलीमर है? इट इज अ होमोपॉलीमर. जबकि हमने जो ब्यूना एस और ब्यूना एन पढ़े वो दो दो तरीके के मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हुए थे, इसलिए उनका नाम उनको हमने मेंशन किया था हेट्रो या कोपॉलीमर. देन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज सेम एज विद अदर पॉलीमर्स. इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. यानी मोनोमर यूनिट्स आपस में अटैच होती चली जाएंगी, कोई बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी. बिल्कुल सिंपल सी सिंथेसिस रिएक्शन. एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट है, एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड और सिंगल की जगह डबल बॉन्ड. यानी विद कंटिन्यूस बॉन्ड वी आर मेंशनिंग CH2 CCl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद कंटिन्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स. दिस इज क्लोरोप्रीन, दिस इज नियोप्रीन, और वी कैन से इट इज पॉली क्लोरोप्रीन. तो ये हमारे पॉलीमर का ऑल्टरनेट नेम भी हो गया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टीज. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने जो पहली रबर पढ़ी थी ब्यूना एस उसके कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी की होती है. स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल रबर से मिलता जुलता होता है, क्योंकि केवल एक CH3 का यहाँ पर डिफरेंस होता है नेचुरल रबर यानी आइसोप्रीन यूनिट के स्ट्रक्चर में. सो इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर रहे हैं. इट शोज रेजिस्टिविटी विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. यानी जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं उन सबके साथ में ये रिएक्शन नहीं करती है, उनके साथ रेजिस्टिविटी शो करती है. इसके साथ साथ इसमें गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है. हैविंग अ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. और इसी के रेस्पेक्ट में हम इसके एप्लीकेशंस को कंसिडर कर सकते हैं. एप्लीकेशंस में फिर से वही सेम कंडीशन आएगी कि डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है. जैसे हम बेल्ट्स बना सकते हैं, शू सोल्स बना सकते हैं, माउस पैड्स बना सकते हैं, ये डिफरेंट कोटिंग्स के भी काम में आता है. कैसी कोटिंग्स? जो कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स होती हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स बनाने के काम में भी आता है. इसको हम एडहेसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है. तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एप्लीकेशंस की. अब हमने जितनी टाइप की रबर पढ़ी हैं, अगर उन सारी टाइप की रबर्स को हम क्वालिटी के बेसिस पर अरेंज करें तो सबसे लो क्वालिटी हमारे पास आती है ब्यूना एस की, उससे बेटर हमारे पास आती है नेचुरल रबर. क्योंकि जो ब्यूना एस है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नेचुरल रबर से भी कम होती है. इसके बाद हमारे पास आती है नियोप्रीन, देन ब्यूना एन, और सबसे लास्ट यानी सबसे बेटर क्वालिटी इज वल्केनाइज्ड रबर. क्योंकि वल्केनाइजेशन का प्रोसेस हम किसी भी टाइप ऑफ रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट
नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, और वी कैन से इलास्टोमर्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको प्लीज आप पूछ लें. थैंक यू सो मच.